फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप एवरीवन सेफ होंगे अपने अपने घरों में। सो आज की वीडियो में मैं ये मेकअप लुक लेकर आई हूँ आपके लिए। होली मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है एंड ये लुक आप होली पे ही नहीं, किसी भी ओकेजन पे आप क्रिएट कर सकते हो। अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग शैडो के कलर को चेंज कर सकते हो। इस लुक को आप किसी भी वेडिंग में कर सकते हो एंड ये लुक ना हल्दी लुक में भी बहुत ही प्यारा लगेगा। एंड मैंने थोड़ा सा कलरफुल रखा है, व्हाइट कलर का कुर्ता नहीं था मेरे पास सो इसलिए मैंने ये वाला कुर्ता पहन लिया। बट मैंने दुपट्टे को कलरफुल रखा है जिससे कि एक कलरफुल वाला लुक आ रहा है। आईज पर देख सकते हो कलरफुल। मैंने रिंग भी कुछ इस तरीके की पहनी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो आई होप ये आपको लुक पसंद आएगा एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज किए इस लुक को क्रिएट करने में। अंडर 249 मैंने इस लुक को क्रिएट किया है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई पर्सनली लाइक दिस मेकअप लुक बिकॉज बहुत ही अच्छे से क्रिएट हुआ है। मैंने कोई भी महंगे प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए इस लुक को क्रिएट करने में और बहुत ही सारा प्रोडक्ट भी मैंने फेस पे अप्लाई नहीं किया है क्योंकि ज्यादा लेयर अप्लाई कर लो ना तो फिर बाद में वो मेकअप अच्छा नहीं लगता बाद में। आई होप आपको ये लुक पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना चाह सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बेल बटन को जरूर हिट करना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्किन केयर मैंने पहले कर लिया और उसकी वीडियो अलग से मैं डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं NYVA का प्राइमर लगा रही हूँ। ये प्राइमर बहुत ही अच्छा है, सिलिकॉन बेस में है। तो आप सबसे पहले देख रहे हो मैंने मटर के दाने जितना लिया, उसके बाद मैं हाथ पे वार्म अप किया एंड देन मैं इस तरीके से डैब डैब करते हुए लगा रही हूँ। उसके बाद मैं स्प्रेड कर ली पूरे फेस पर, जिससे क्या होगा फेस बहुत अच्छे से प्राइम हो जाता है। एंड नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ और ये आईब्रो पेंसिल ओनली 65 रुपीज़ में मिल जाती है। MRP इसका 65 रुपीज़ है, अदरवाइज और भी अच्छे प्राइस में मिल जाएगी। अब इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से सारा कुछ। अब इसके बाद मैंने इनसाइड का ये पैलेट लिया है, इसमें से कंसीलर लिया है जो मेरी स्किन टोन का ही है, तो ये अप्लाई कर रही हूँ। मेरे डार्क सर्कल नहीं है ज़्यादा तो इसलिए मैंने इस कलर का अप्लाई किया है कंसीलर। अदरवाइज अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले करेक्टर यूज़ करना देन आप कंसीलर अप्लाई करना। ओके, तो कंसीलर अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ एंड इसके बाद मैं सेट कर लूँगी मेबलिन फिट मी के कॉम्पैक्ट से और इसी के साथ जो पफ मिला उसी से मैं सेट कर रही हूँ। ओके, तो मैं आप क्या करूँगी, ये जो लाइट कलर का कंसीलर है ना इसको मैं अपनी आईब्रोज पे अप्लाई कर रही हूँ। इससे मेरी आईब्रोज का जो शेप है ना वो और भी शार्प हो जाएगा और वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये जो फ्लैट ब्रश है मैं इसकी हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ और देन नीचे की ओर इस तरीके से पुल करते हुए उसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं आईब्रोज के ऊपर इसको अप्लाई कर रही हूँ, धीरे धीरे से अप्लाई करना है। फास्ट में मैंने वीडियो की है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं फास्ट फास्ट कर रही हूँ। ओके, इसको अब ब्लेंड कर ले सॉरी इसको मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं आई मेकअप करने वाली हूँ और ये ट्रांजिशन शेड मैंने लिया है लाइट ब्राउन कलर और इसको अपने क्रीज लाइन पर और क्रीज लाइन के ऊपर इसको ब्लेंड कर लूँगी। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग में थोड़ा सा टाइम देना बिकॉज ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो आपका आई मेकअप ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। तो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। ओके, तो आप खुद देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया, हार्श लाइन नज़र नहीं आ रही है। एंड देन मैं ये ब्राउन कलर अप्लाई करूँगी डार्क वाला और अपने आउटर वी पर इसको अप्लाई करूँगी। तो इस तरह से राउंड राउंड करते हुए ब्लेंड करना है। इस तरह से ब्लेंड करो ना बहुत अच्छे से, ब्रश बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, मतलब जो आई शेडो वो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है ब्रश से। अब मैं हल्का सा ब्लैक कलर ले रही हूँ और आउटर वी, दो आउटर वी होते हैं एकदम कोने पे और मैं कोने से थोड़ा सा आगे आके और मैंने वहाँ पर कलर को प्लेस किया एंड देन ब्लेंड कर लिया अच्छे से। इसके बाद मैंने ये पिंक कलर लिया है जहाँ मैंने ब्लैक कलर मैंने अप्लाई किया था ना जस्ट उसके थोड़ा सा आगे मैंने इसको ब्लेंड किया और ब्लैक कलर से मर्ज कर दिया एंड देन मैं ये येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ और इनर कॉर्नर की तरफ से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है और मर्ज कर दिया एक दूसरे में। कलर को मर्ज जरूर करना है नहीं तो वो हार्श लाइन नज़र आती है, वो अच्छा नहीं लगता। अब एक क्लीन ब्रश लिया है, उसको सारा कुछ मैंने ब्लेंड कर दिया है। देन मैं इनसाइड का फाउंडेशन ले रही हूँ और अपने फेस पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। ये एप्लीकेटर के साथ में आता है और काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है ये, बहुत ही प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। देन इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। जब तक एकदम अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए तब तक आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड अच्छे से होगी ब्लेंडिंग तो मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस नज़र आएगा। अब मैं कंसीलर की हेल्प से अपने आई मेकअप को शार्प लुक दे रही हूँ। आप देख सकते हो कितना अच्छे से शार्प लुक दिखाई दे रहा है मेरे आई शेडो का। अब मैं कंटोर कर रही हूँ, उसी पैलेट में से मैंने कंटोर लिया है
ये काफ़ी अच्छा पैलेट है, वर्थ मनी है, वर्थ दी मनी पैलेट है, क्योंकि इसके अंदर कंसीलर, करेक्टर एंड कंटोर तीन चीज़ मिल जाती है। तो कंटोरिंग मैंने कर ली है बहुत अच्छे से, अब इसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है बिकॉज क्रीमी प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, एकदम मतलब स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। अब इसके बाद में मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर हाइलाइटिंग कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो उसी पैलेट में से मैंने इसको कलर को लिया है, तो देख सकते हो मैं अब इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ब्लेंड इसके बाद में जब हाइलाइटर अप्लाई करते हैं ना तो बहुत अच्छे से वो पॉप आउट होकर आता है। अब मैं इसको सेट कर रही हूँ बिकॉज क्रीमी प्रोडक्ट जितने भी थे मैंने अप्लाई कर लिए हैं। इसके बाद में मैं सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से, आप चाहो तो लूज़ पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अब मैं लोअर लैशेस पर पिंक कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो पिंक कलर मैंने हाफ में अप्लाई किया है और बाकी की हाफ साइड में मैं येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ। एंड इनर कॉर्नर पे भी मैं येलो कलर ही अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में और काफ़ी अच्छा भी लगता है। नाउ आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी का ये पैलेट और इसमें से इस ब्लश को मैं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज इसका एक तो पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है ना तो फिर एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट लग जाता है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है ब्लश, थोड़ा लाइट ही अप्लाई किया है। देन मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ अपने हाईलाइट पॉइंट्स पर, और ये हाइलाइटर भी काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में यह ये पैलेट मिल जाता है, पूरा वर्थ द मनी पैलेट है ये। ओके, NYBA का लाइनर अप्लाई करूँगी, ये लाइनर काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी जेट ब्लैक है, ये वाटर प्रूफ नहीं है बट काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, मेरा फेवरेट है मतलब अफोर्डेबल के अगर हिसाब से बोलूँ तो। और स्विस ब्यूटी का काजल अप्लाई कर लिया मैंने और उसके बाद में मैंने वापस से ये पिंक कलर अप्लाई किया है और काजल के साथ थोड़ा सा स्मज कर लूँगी इसको। और जैसे कि अभी देख सकते हो येलो कलर थोड़ा सा फेड आउट हो गया है, तो इसलिए मैंने वापस से येलो कलर लिया है और उसे अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं अपनी लैशेज को कर्ल कर ली हूँ और उसके बाद में मैं मस्कारा लगाऊंगी, मार्स का मस्कारा ले रही हूँ। मैं आज फेक लैशेस नहीं लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने अच्छे से कोटिंग की है मैंने अपनी लैशेस पर, और लैशेस पर कोटिंग किया ज़्यादा सी और मैंने इसीलिए लैशेस को कर्ल भी किया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो ना काफ़ी अच्छे से मेरी लैशेस नज़र आ रही है, तो अगर मैं फेक लैशेस नहीं भी लगाऊंगी तो चलेगा और अच्छा भी लगेगा ऐसे ही। तो मेरे को आज ऐसे ही रखना है अपनी आईज़ को, मेरे को फेक लैशेस नहीं लगानी है। ओके, मैं स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये लिपस्टिक क्रीमी है और एकदम वाटर प्रूफ है, एकदम स्मज प्रूफ है, सॉरी इसको लगाने के कुछ टाइम बाद ही सेट हो जाती है ना, बिल्कुल निकलती नहीं, बिल्कुल स्मज नहीं करती है ये लिपस्टिक, बहुत अच्छी है। मैं मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी अच्छे से और देख सकते हो मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। और अपने हेयर को मैं ऐसे ही टाई कर लूँगी, हल्का सा बस रबड़ मैंने लगा लिया है, बीच में थोड़े से बाल छोड़ दिए नीचे की तरफ से और आधे बालों में मैंने रबड़ लगा लिया है और ये बस ऐसे ही छोड़ दूँगी, हल्के से बाल साइड से निकाल दूँगी और बहुत कुछ नहीं किया है मैंने। तो इतना भी आप होली मेकअप में करते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बहुत सुंदर लगेगा मेकअप। आप चाहो तो वाइट कुर्ता भी पहन सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, या फिर कोई भी लाइट कलर पहन सकते हो, बट कलरफुल दिखाई देता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आई मेकअप को कलरफुल रखा है, अपनी ईयरिंग्स को कलरफुल रखा है एंड अपने दुपट्टे को भी मैंने कलरफुल रखा है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।